अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। एक दो दिन पहले एक बयान आया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, जो एक खुद आतंकवादी है, टेररिस्ट केस में जेल में थी। मालेगांव ब्लास्ट में उनकी मोटरसाइकिल यूज हुई थी, जिसकी वजह से इतने बेकसूर लोगों की जानें चली गई थी। ये एक्यूज है जो बेल पर बाहर आई हुई है मेडिकल ग्राउंड पर, और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है हमारे एक बहादुर पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे पर, जिन्होंने जो शहीद हो गए पाकिस्तान के हरामखोर आतंकवाद अजमल कसाब के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवाई थी, वो शहीद हो गए। उनके बारे में इन्होंने ये कहा कि मैंने शराब दिया था उनको। अरे शर्म आनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा सिंह तुमको। तुम शराब की बात करते हो, हमारे जांबाज ऑफिसर जिसने जान गंवा दी अपनी, जो शहीद हो गया। मैं चाहता हूं कि उच्च न्यायालय इस बात का नोट ले, साध्वी प्रज्ञा की जमानत कैंसिल करे, उसको फिर से उठा के जेल में डाले। इलेक्शन कमिश्नर जो उनको टिकट दिया है बीजेपी ने, वो भी कैंसिल करे, और इनको आके पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। पूरे मुंबई पुलिस फोर्स का इन्होंने अपमान किया है, हमारे सारे शहीदों का अपमान किया है इन्होंने। मैं चाहता हूं कि ये आकर पूरे शहीदों के परिवार वालों के साथ माफी मांगे, हेमंत करकरे जी की पूरी फैमिली से माफी मांगे, और तमाम मुंबई पुलिस फोर्स के उन बहादुर सिपाहियों से माफी मांगे जिनका इन्होंने इंसल्ट किया है। और मोदी को भी आके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे को जाके टिकट दे दिया इलेक्शन में लड़ने का। शर्म आनी चाहिए आपको। और हम आवाज बुलंद करके कहते हैं साध्वी प्रज्ञा मुर्दाबाद, हेमंत करकरे जिंदाबाद, पुलिस फोर्स जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके